लुक आ रहा है ना ये गार्ड्स के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़े बाइक पे बैठा हूँ। हेलो है, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो काफी दिनों से मैं आपको हमेशा बोलता था आएगा आएगा आएगा, बट वो नहीं आता था। वो था क्रैश गार्ड का वीडियो। बस आज वो दिन आ गया है कि आज के वीडियो में मैं आपको क्रैश गार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एक्चुअली मैंने क्रैश गार्ड ऑलरेडी बिठाया हुआ है, बट वो मैं आज चेंज करने जा रहा हूँ। तो चेंज इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है उसमें। अब वो क्या प्रॉब्लम है वो सारे डिटेल्स मैं आपको बाइक पे देता हूँ। सो अब चलिए सीधे मिलते हैं मेरे बाइक पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो मैं आपको बता रहा था कि जो क्रैश गार्ड्स है वो ऑलरेडी मेरे बाइक पे इंस्टॉल है। आप देख सकते हो ये कोई तो XYZ कंपनी के क्रैश गार्ड है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट ये पर्सनली मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि मैंने इस पर लॉन्ग राइड की थी, जैसे देखा रहेगा आपने मुंबई टू गुजरात वाली। बट इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स है ये क्रैश गार्ड में, तो इसीलिए मैं मीन्स खुद से लेट कर रहा था ये सब वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। सो ये जो क्रैश गार्ड है ये थोड़े से डिफेक्टिव है, मेरे कुछ काम के नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहे। सो वाइब्रेशन वगैरह बहुत है इसमें और काफ़ी हद तक ये आवाज़ भी आता है इससे। सो इसीलिए मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आ रहे। चलिए अभी स्टोर पे जाके सीधे मिलता हूँ आपको। ये हम आ गए हैं अभी महा ऑटो व्हील्स और यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे बाइक के लिए क्रैश गार्ड्स। तो अभी मैं आया हूँ महा ऑटो व्हील्स में। मेरे पीछे आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा स्टोर है ये। मैं आपको स्टोर का एक टूर भी दे दूँगा। अभी ये स्टोर जिनका है उनसे मैं आपको मिलाता हूँ। अभी हमारे साथ है अभिजीत भाई। तो अभिजीत भाई, मैं अभी आपके पास क्रैश गार्ड के लिए आया था, बट इसके पहले इसमें ऑलरेडी दूसरे क्रैश गार्ड थे, वो मैंने बताया नहीं कौन से इसके थे। अभी आप कौन से क्रैश गार्ड ऑफर कर रहे हो? अब मेरे पास में लेटेस्ट वाले नेक्सस गियर्स के क्रैश गार्ड्स आए हैं, जो थोड़ा फाइन टेक्सचर में आते हैं, थोड़ा रफ टेक्सचर एकदम प्रॉपर आया हुआ है। अभी मैं लेटेस्ट वाला सैंड ब्लास्टेड वाला दे रहा हूँ, जो अच्छा क्वालिटी का है काफ़ी। वो अभी इसके बाइक पे अब फिट करने वाले हैं। और इसका कैसा फिटिंग करना है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था मेरे चैनल पे बाइकर ज्ञानी पे, आप उस पे जाकर देख सकते हो। और बाकी इसके गाड़ी पे क्या क्या करने वाले हैं ये तो अभी आपको मालूम पड़ेगा। चलिए अभी अपने बाइक पे क्रैश गार्ड का इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू करते हैं। मेरे बाइक में क्रैश गार्ड का इंस्टॉलेशन चल रहा है। सो फिलहाल तब तक जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है आप इस स्टोर का एक टूर देख लो, ये स्टोर किस तरह है, यहाँ पे आपको क्या क्या अवेलेबल मिलेगा। सो एक बार वो देख लो। अभी क्रैश गार्ड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बाइक कैसे लग रहा है अभी। तो ये देखिए, ये अपना बाइक टोटली रेडी हो गया है और ये वाला क्रैश गार्ड अभी इंस्टॉल किया है, अपर गार्ड और लोअर गार्ड। ये कुछ इस तरह अभी बाइक दिख रहा है। सो अभी मैंने यही वाला क्रैश गार्ड क्यों इंस्टॉल किया, इसके पीछे जो जो रीजंस है वो अभिजीत भाई है हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि ये क्रैश गार्ड में क्या ऐसी खासियत है जो आपको भी इंस्टॉल करना चाहिए। ये जो गार्ड है ये पूरा चीजी माउंटेड है, इंजन के ऊपर माउंट नहीं है। अगर आपका गाड़ी का क्रैश भी होता है तो आपका गाड़ी का इंजन सेफ रहेगा, सिर्फ चीजी के ऊपर आपका इम्पैक्ट आएगा। ये स्पेशली उस हिसाब से बनाया हुआ है। आप जैसा देख सकते हो इसको पूरा बिल्ट वगैरह भी एकदम हैवी दिया हुआ है। इसको नीचे से भी जो लोअर गार्ड है वो भी एकदम बहुत हैवी ड्यूटी में दिया, उसको चीजी माउंट दिया है। इंजन पे कहीं पर भी माउंटिंग नहीं है। ओके, अगर आपका क्रैश होगा तो ये गाड़ी आपका चीजी पे माउंट लोड आएगा, आपका इंजन सेफ रहेगा। तो इस गार्ड का मेन USP है ये बॉडी पे इंस्टॉल है, पूरा चेसी पे पूरा इंस्टॉल है। अगर बाकी काफ़ी सारे गार्ड्स आते हैं वो इंजन पे इंस्टॉल रहते हैं, तो जब इम्पैक्ट होता है तो इंजन पे भी होने के चांसेस होते हैं। तो ये मेन USP है इस क्रैश गार्ड का। आप में से जो कोई ये क्रैश गार्ड ऑर्डर करना चाहते हो, अपने अपने बाइक में लगाना चाहते हो,
तो अभिजीत भाई का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके आपके बाइक के लिए भी ऑर्डर कर सकते हो। अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको मैं प्रॉपर बाइक दिखाता हूँ। एक बार बाहर जाऊँगा तो हाईवे पे आपको सही से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे उतना लाइट नहीं है और मेरा कैमरा भी उतना अच्छा नहीं है। सो गार्ड्स तो अभी लग गए, आप देख सकते हो। और भाई जो लुक आ रहा है ना ये गार्ड्स के साथ, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़े बाइक पे बैठा हूँ। मतलब जो पहले फील था इस बाइक का, उससे कई गुना मतलब बदल गया है यार पूरा फीलिंग। और ये देखो ना यार, मतलब कितना बड़ा लग रहा है, ये साइज़ यहाँ से यहाँ तक हो गया सीधा। अरे मतलब बहुत ज़बरदस्त है यार, सच्ची में बहुत सही लग रहा है। तो अभी क्या करता हूँ, थोड़ा आगे चलता हूँ, एक जगह है वहाँ पे जाके रुकता हूँ और प्रॉपर आपको ये डे लाइट में ये बाइक कैसे दिखता है इसका ओवरऑल एक लुक देता हूँ। बहुत टाइम से जगह ढूंढ रहा था बाइक को शूट करने के लिए, तो अभी एक जगह मिला है। और अब देख सकते हो मेरे पीछे मेरी बाइक है और नया नया क्रैश गार्ड लगाया हुआ है। और क्या लग रहा है बाइक, आप देखो अभी ये अपना बाइक है और क्या लग रहा है देखो, मतलब भाई अलग एकदम पूरा साइज़ ही चेंज हो गया बाइक का। आप देख सकते हो जैसे कि अभी ये वाला क्रैश गार्ड मैंने बिठाया है, तो ये है, इसमें एक्चुअली दो गार्ड आते हैं, ये है अपर गार्ड और ये है लोअर वाला गार्ड। सो इसका जो कोटिंग वगैरह आप देख सकते हो, पूरा सैंड ब्लास्ट वाला कोटिंग, अलग टेक्सचर वाला कोटिंग है। तो आपको देखने के टाइम पे ऐसे लगेगा कि डस्ट वगैरह बैठा है, लेकिन वो डस्ट नहीं है, उसका कोटिंग ही वैसा है। तो थोड़ा एक यूनिक टाइप का कोटिंग है इसका। और इसका मेन यूएसपी ऐसा है ना, ये बॉडी पे फिटिंग आता है। बहुत सारे गार्ड्स ऐसे हैं ना, वो ये जो बोल्ट दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पे, ये उसके ऊपर फिटिंग आता है बाकी सारे गार्ड्स का। तो उससे क्या होता है, अगर समझो कुछ इम्पैक्ट वगैरह हो गया, आपकी बाइक वगैरह गिर गई, स्टैंड से गिर गई, या फिर राइड करते करते आप अगर गिर गए और अगर इम्पैक्ट हो गया गार्ड पे, तो वो सीधा उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इंजन पे। तो इंजन पे अगर इम्पैक्ट हो गया तो भाई समझ जाओ क्या हो सकता है आगे। सो इसीलिए मैंने ये गार्ड चॉइस किया। और मैंने बाइक लिया है कुछ अक्टूबर में, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए बाइक लेके, बट आज डालूँगा गार्ड, कल डालूँगा गार्ड। तो मैंने बहुत टाइम लिया एक्चुअली गार्ड के लिए, क्योंकि मुझे कुछ बेस्ट लगाना था। और कैसा है, मैं जो लगाऊंगा फिर मैं उसका वीडियो निकालूंगा, आपको दिखाऊंगा, और वो इनकेस अगर वो चीज़ गलत निकली तो वो गंदा मैसेज जाएगा, मतलब वो अच्छा नहीं रहेगा फिर। तो इसीलिए मैं थोड़ा बेस्ट टू बेस्ट ढूंढ रहा था। तो अभी फाइनली मुझे मिल गया ये बेस्ट वाला गार्ड। और माय गॉड, मतलब ना ऐसा लग रहा है बाइक को देखते ही रहो। ये देखो ना यार क्या लग रहा है बाइक, देखो ये इसका सामने से लुक है। और बाइक थोड़ी गंदी है लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। ये देखो ये कुछ ऐसा लुक आ रहा है सामने से इसका। और ये साइड से देखो आप, ये कुछ इस तरह दिखता है साइड से। और ये बाइक पे जब आप बैठते हो तब ये देखो ये कैसा लग रहा है लुक, मतलब बाइक ऑलमोस्ट आपका बड़ा हो गया। तो एक हिसाब से ना बहुत सही लगता है और लोगों का ध्यान खींच लेता है ये पूरा गार्ड। तो ये कहानी थी मेरे बाइक के क्रैश गार्ड की। और ये क्रैश गार्ड आपको कैसे लगा ये आप कमेंट में या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम करके ज़रूर बताना। और आपको इसी तरह और एसेसरीज़ का वीडियो देखना है तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, उसका वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ एसेसरीज़ पहले से लगी हुई है और कुछ एसेसरीज़ आना बाकी है, तो उसका भी वीडियो आपको देखना है या नहीं आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो अभी आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके कुछ सजेशंस या फिर कुछ और डाउट्स है तो मुझे कमेंट में पूछिए। और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए